हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मेरा चला हुआ है पूजा, मैं कर रही हूँ घर का पूजा, मैंने कर लिया है। जैसे कोई भी सामान घर में आता तो उसका पूजा करते हैं, तो मैं अभी वॉशिंग मशीन का पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी अभी नहाई नहीं है, नहाने गई है। तो क्या कि मुझे कपड़े भी धोने हैं, इसीलिए वैसे कपड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं, चालू करूँगी अभी मैं पूजा करने के बाद। जैसे प्रसाद मैंने चढ़ा दिया है, लाना तो पड़ता नहीं है, दुकान से ले आई। अब भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दिया, पूजा हो गया मेरा। अभी वॉशिंग मशीन प्यूस अंदर से चालू कर देगा, वही दिखा रहा आपको कि पूजा होने के बाद मशीन चालू हो गया है। यहाँ देखिए कपड़े मैंने डाल दिए हैं, अब प्यूस ने मशीन चालू की है। यही सुबह 8:30 बजे का समय है, धूप भी है, ऐसा बात नहीं धूप नहीं है। यही पीयूष ही आपको दिखा रहा है बार बार, क्या कि इसको थोड़ा ज़्यादा आइडिया है। वैसे पहले मैंने भी धोए हैं, ऐसे बात नहीं, आंटी जी के यहाँ बहुत बार धोए हैं कपड़े, पर इसमें तो फर्स्ट बार धो रहे हैं। यही मैंने बरामदा में लगाया इसको, क्या धोते समय इसको थोड़ा मैं बाहर कर लेती हूँ सीढ़ी पर, और धोने के बाद अंदर कर देती हूँ। यही सुख है कि कपड़े मशीन में धुलते रहेंगे। मेरा दूसरा काम चालू है, वही किचन में मैं मतलब कि छोले बना रही हूँ तुलसी के लिए। एक साइड चने मेरे उबल रहे हैं, एक साइड मेरा मसाला तैयार है। अब बरामदा में भी कपड़े धुल रहे थे, तो वहाँ बैठ के इसका लहसुन प्याज यही छील काट रही थी। मतलब कि दोनों काम साथ साथ होते रहते हैं। ठंड के समय थोड़ा ज़्यादा रहता है, गर्मी में तो उतना नहीं रहता, सूखने का भी समस्या रहता है। यहाँ देखिए मेरा छोले बन के तैयार है। यही है मेरा एक मिस्टेक भी हो गया मुझसे यहाँ, के छोले मेरे हल्के से नीचे चिपक गए थे, थोड़ा महक हो गया इसमें, तो उतना टेस्टी नहीं बना। यही मैं आपको दिखा रही हूँ, लास्ट वाला है। सब कपड़े मेरे धुल गए, लास्ट का है, आधे इसमें रखे हुए हैं, ये सुखाऊंगी, आधे मैंने सुखा भी दिए। बहुत कपड़े धोए थे मैंने, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने यहाँ ठंड के कपड़े बहुत रखे हुए हैं धोने के लिए। ये नाश्ता हो गया है, मतलब कि पीयूष का, पीयूष के पापा का, सबका यही बना था। यही मैं दिखा रही हूँ छोला पूरी, पूरी दुकान में बना था, छोला मैंने घर में बना दिया। इसके बाद ये है दोपहर का, यहाँ देखिए ये आया स्कूल से, नाश्ता इसका भी हो गया स्कूल से आने के बाद। यही है कि आते ही ये करता है टीवी चालू, नाश्ता भी करेगा तो टीवी चालू करके ही करेगा, बिना टीवी के कुछ नहीं है, टीवी चालू है। यही मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ बेडशीट मैंने चेंज किया है, क्या कि बेडशीट धो दिया है इसका, अपना चेंज मेरा रूम का भी कर दिया है। धूप अच्छा आता है मेरे रूम में दोपहर में, यहीं बैठ के मैं अपना सब काम करती हूँ, मतलब जैसे फ़ोन का जो भी काम होता है। मम्मी का बेडशीट चेंज नहीं हुआ है, मतलब धो दिया वही सूखने के बाद, मम्मी ने वही बिछा लिया है, दूसरा नहीं डाला मम्मी ने। कपड़े मेरे सब सूख गए थे तो मैंने अंदर कर दिए, यही थोड़ा बहुत है तो इसको करना है, समेटा नहीं, अंदर ला के रख दिए हैं कुर्सी पे, समेटूँगी जब टाइम होगा तभी। अभी 12:30 बज रहे हैं, 12:15 ही हैं, 12:30 नहीं हैं, क्योंकि आज चावल तो बनाने नहीं है एकासी, इसीलिए ये शाम का समय है। दोनों फालतू काम में लग जाते हैं, जहाँ इसको गन्ना दिखाई नहीं दिया, मैं यही पूछ रही हूँ अच्छा निकला कि नहीं, बोला नहीं निकला है, ये देखिए ख़राब निकला है पूरा, पर अपना बैठ गया है दोनों छीलने के लिए, गन्ना खाने के लिए पूरा, मतलब कि दिखना चाहिए इतना बड़ा और रखा हुआ। यही मैं इसको बता रही थी, इससे ही मैं तुमको मारूँगी, वैसे मारती नहीं हूँ मैं बच्चों को, जल्दी से हाथ नहीं उठाती हूँ, डांटना कर देती हूँ, डांटती हूँ बहुत, पर मारती नहीं हूँ। अभी डांट सुनने के बाद दोनों जा रहे हैं ट्यूशन, यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ट्यूशन जा रहे हैं तो डंडा लेके जा रहे हैं अपना मार खाने के लिए, वही बैग में छुपाए, वही मैं इनको बोल रही थी दिखाओ तो कौन डंडा लेके जा रहा है, क्या कि रुचि जी दी मंगवाई है कि डंडा लेके आना। हम लोग भी स्कूल लेके जाते थे डंडा अपने घर से। यहाँ दोनों का मस्ती देखिए आप, दोनों खूब मस्ती कर रहे हैं, वही मैं दिखा रही हूँ आपको, मुझे भी खूब हंसी आ रहा था देख के।
यहाँ पे उस ज़बरदस्ती मेरा वीडियो बना रहा है, क्या कि आज मेरा थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मन था, तो ये ज़बरदस्ती ले आया कि नहीं मुझे बनाना ही है। अंदर फ़ोन रख के मैं आई थी, मैं इसको मना भी कर रही हूँ, मेरा चेहरा भी आप देख रहे हैं कि गुस्साए में लग रही हूँ, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था। पर ये मम्मी को उदास नहीं देख सकता पीयूष, पीयूष खासकर। वैसे तो लक्की भी, पर लक्की को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मेरा थोड़ा सा भी चेहरा उदास हो तो मेरा पीयूष बहुत फ़र्क पड़ता है इसको। ये पूछता रहता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी मेरा थोड़ा सर दर्द था तो इसीलिए मेरा मूड ठीक नहीं था। ये देखिए मैं चिल्ला रही हूँ इस पर कि बंद कर दो, फिर भी बना रहा है। बना दिया इसीलिए मैंने, डाल भी दिया। यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ, जैसे गुआर फली का बनता है वैसे ही मैं यहाँ चूना का फली का सब्जी बना रही हूँ। जैसे गुआर फली का बनाती हूँ वैसा का वैसा सेम। इसमें हल्का नमक मुझे कम लग रहा था तो मैं और डाल रही हूँ नमक और लाल मिर्ची। यहाँ टीवी चला हुआ इसलिए मैंने इसका आवाज़ बंद कर दिया है, क्योंकि ये यहाँ गाना गा रहा था। मैंने पढ़ने के लिए बोला है तो पढ़ाई छोड़ के ये यहाँ गाना गा रहा है। वही पीयूष दिखा रहा है कि मम्मी को, मम्मी बाहर टीवी देख रही है इसलिए टीवी का आवाज़ आ रहा है। पीयूष दिखा रहा है कि गाना पढ़ाई के बहाने से ये गाना गा रहा है यहाँ खड़ा होके। गाना इसीलिए मैंने बंद किया है कि बाहर टीवी चला हुआ है, उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसका आवाज़ उसके आगे सुनाई नहीं दे रहा है इसीलिए। यहाँ मम्मी टीवी देख रही है, पहले मम्मी ने यहाँ बैठ के कार्टून बनाया। ऐसे काम मम्मी कर देते, ज़्यादातर कपड़े मम्मी समेटती है, मैं बहुत कम समेटती हूँ, ज़्यादातर मम्मी समेट देती है। यहाँ समेटे हुए कपड़े थोड़े बहुत रखे हुए, थोड़े अंदर रख दिए मैंने। यहाँ का बेडशीट उतार के दोनों ओढ़ के बैठे हुए थे इसीलिए उतरा हुआ है। नींद नहीं आ रहा है मम्मी को, टीवी देख रही है। वही पीयूष बदमाशी कर रहा है और कुछ नहीं है। उसका मूड हो जाता ना कि आज वीडियो मुझे बनाना है तो बनाना ही, उसको कोई भी चीज़ का लेके बैठ जाता है। यहाँ मैं कपड़े समेट रही हूँ, वैसे मम्मी ने आधे समेट दिए, आधे जो रखे हुए थे वो मैंने अंदर रख दिए हैं, वही मैं समेट रही हूँ। थोड़ा सा मेरा चेहरा उतरा हुआ है, उसी को खुश करने के लिए पीयूष ये सब कर रहा है। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, टीवी भी मम्मी बंद कर दिया मम्मी ने। मैंने आज बेडशीट चेंज की थी जो सुबह मैंने शायद आपको दिखाई है, मतलब निकाल के मैंने मेरी वाली कलेंडर रख दी थी। देखिए मम्मी का भी, मम्मी ने वही वाला बिछा लिया है, पर मेरा यही है कि मेरा वाला चेंज कर दिया और पीयूष लक्की वाला चेंज कर लिया। धोया तो सबका है पर मम्मी वाला वही है। अभी सोच रही हूँ आयरन कर दूँ, थोड़ा सा मेरा मूड ठीक नहीं है, सर में मेरा बहुत दर्द है, चेहरा भी उतरा उतरा लग रहा है। ठंड के समय यही होता है मेरा, क्या है कि थोड़ा सा स्टॉल इधर से उधर हो सर दर्द शुरू हो जाता है। अभी 2-3 कुर्ती निकाली है, सोचूँ आयरन कर लेती हूँ, क्या कि खाना में तो मैंने कुछ बाजा की रोटी बनाऊँगी तो आटा लगाना नहीं, थोड़ा सा आटा लगा के रख दिया है, बच्चे भाई चांस मांग ले मैं कर देती हूँ। वैसे खाते नहीं हैं पर थोड़ा सा बना के रख देती हूँ, बाई चांस अच्छा नहीं लगे तो भूखे नहीं सोना पड़े। मम्मी भी 1-2 ले लेती है, गेहूँ का खाती है, बाजरा का कम खाती है, खाती है आधा तो खा ले तो मुश्किल से, बस यही। उसके बाद मुझे रोटी बनाना है, लगभग 8 बजे 8:15 बजे मैं रोटी बनाने जाती हूँ। तो अभी तो 6:30 बज रहा है, अभी टाइम है तो सोचूँ आयरन कर लेती हूँ, 3-4 कुर्ते निकाला उसी में करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मेरा मूड ठीक नहीं, सर में मेरा दर्द है। ठीक है, करते हैं आगे का काम शुरू। यहाँ मेरा खाना बन गया है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा आदत है मैं गर्म तवा पे सब्ज़ी रख देती हूँ कि सब्ज़ी गर्म रहता है। रोटी देखिए, ये वाला रोटी देखिए, मेरा किस देश का नक्शा बना वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और सब ठीक है, यही वाला है जो ठीक नहीं बना है। 4-5 रोटी बना के रख दी है, गेहूँ का आटा का भी बनाया है, बाजरा का भी, दोनों है। अभी खाना मेरा बन गया है, दवाई मैंने लिया है तो मेरे सर दर्द में भी थोड़ा आराम हुआ है। और रोटी मैंने बना दिया, मैंने दिखाया भी है, क्योंकि रोटी आज मेरा ठीक नहीं बना है, फिर भी कोशिश करती हूँ मैं, कभी ठीक बनता कभी नहीं बनता है। यही है, वीडियो का भी एंड करूँगी, खाना खाएंगे सब, किसी का नहीं, मम्मी को भी दे के आऊँगी, पीयूष लक्की भी खाएगा। अगर आपको वीडियो को एंड कर देते हैं सॉरी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। नमक खाली करूँगी डिब्बा में, नमक अभी कर देती हूँ, क्या बाद में रात में भूल जाऊँगी मैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।